इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप भी अपने फेसबुक पर खत्म होने वाले डेटा को 40% तक कम कर सकते हो। आप उतने ही टाइम तक यहाँ पर रील्स वीडियो देखोगे, जो भी आपका मन होगा वो आप यहाँ पर करोगे, लेकिन फिर भी आपका 40% डेटा यहाँ पर कम खत्म होगा। तो ये काम आप दोस्तों कैसे करोगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर टैप कर देना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर टैप करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स के बटन पर टैप करना है और इसके बाद फेसबुक की सेटिंग्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगी और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी मीडिया की। तो बेसिकली दोस्तों आपके वाले में क्या होगा, यहाँ पर ये इस पर सेट होगा और यहाँ पर ये इस पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आपको यहाँ पर से सेट नहीं करना है, आपको इसे यहाँ पर और यहाँ पर सेट कर देना है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ पर पहली सेटिंग है वीडियो क्वालिटी की। बेसिकली दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेट कर देते हो तो जो वीडियो आप फेसबुक पर देखते हो या रील्स देखते हो तो वो अपने आप से आपकी नेटवर्क की कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। मतलब अगर आपके वाले में नेटवर्क अच्छा पकड़ रहा होगा तो वो 720, 1080 ऐसे हाई क्वालिटी में चलने लगते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेटा सेवर पर क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पर 40% कम डेटा यूज होगा, मतलब वीडियो की क्वालिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, जिसके बदौलत आपके फोन का 40% डेटा बच जाएगा। और इसके बाद अगली सेटिंग यहाँ पर दोस्तों होती है ऑटो प्ले की। तो आपके वाले में यहाँ पर सेट होगा, तो अगर दोस्तों आप अपने यहाँ पर फेसबुक पर ऑटो प्ले पर सेट करोगे तो जो भी वीडियो आप यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये अपने आप से प्ले होना शुरू हो जाएंगे और मुझे इसे प्ले भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो ये भी वीडियो अपने मन से प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होता है कि डेटा खत्म होने लगता है, आप उन्हें देखना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो ऑटो प्ले हो जाते हैं और उसमें आपका डेटा कंज्यूम होने लगता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप नेवर ऑटो प्ले वीडियोस पर सेट कर दोगे तो अब आप यहाँ पर वीडियो के आइकन पर आओगे तो ये वीडियो अपने आप से नहीं प्ले होंगे, जिसका मतलब है कि आपका यहाँ पर डेटा भी नहीं ये कंज्यूम करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फेसबुक में इन दो सेटिंग्स को यहाँ पर इस प्रकार से सेट करने से अपने फ़ोन का यहाँ पर 40% और इससे 10% यानी 50% तक डेटा कम यूज कर सकते हो और आप अपने फेसबुक को पूरा दिन तक चला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप भी अपने फेसबुक पर ज़्यादा खत्म होने वाले डेटा को कम कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।